हाय फ्रेंड, तो आज मैंने बनाया है सोयाबीन मंचूरियन। बहुत ही डिलीशियस और सिंपल रेसिपी बनकर हमारे तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना जिस तरह से मैंने बनाई है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बच्चों को बड़ों को सभी पसंद आती है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाना है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे सोयाबीन मंचूरियन, बहुत ही सिंपल डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप सोयाबीन ले लिए हैं और ये मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप मार्केट से इसको आसानी से ले सकते हो। तो फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और आप बाज़ार की खाना भूल जाओगे जब एक बार घर पर इस तरह से ट्राई करोगे। बहुत ही सिंपल तरह से बनाऊंगी मैं, आप मेरे साथ बने रहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, 3 कप के करीब मैंने पानी लिया था और इसमें मैं सभी सोयाबीन ऐड कर दूंगी। तो फिर यहाँ पर मैंने सभी सोयाबीन ऐड कर दी है और इसको हम चम्मच की मदद से पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि अच्छे से पानी में ऐड हो जाएंगे। और फ्रेंड इसको मुझे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से, ज़्यादा देर नहीं पकाना। ये बहुत ही जल्दी उबल कर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से लम्स आ रहे हैं पानी में और ये उबलने की तैयारी कर रही है सोयाबीन। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ी सी ये टाइट है एक उबाल आने के लिए अच्छे से, फिर हम इनको पानी में से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड बॉईल आने की कितनी अच्छे से तैयारी हो रही है, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से मुझे एक बॉईल ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से पानी में बॉईल आ गया है। अब इसको मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद और इसको मैं एक छन्नी में छान लूंगी। तो फ्रेंड मैंने छन्नी में छान लिया है। फ्रेंड चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे सॉफ्ट हो गई है एकदम। इसी तरह से मुझे रखनी है। तो चलिए फ्रेंड किस तरह से बनाएंगे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, 4 से 5 हरी मिर्च चॉप की है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 7 लहसुन की कली, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली है, 1 बड़े साइज़ की टमाटर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की, और यहाँ पर मैंने ली है हरी प्याज की डंठलें। तो फ्रेंड अच्छे सोयाबीन हमारी सॉफ्ट हो गई हैं और अब मैं इसको अच्छे से इनका पानी बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह से हमें पानी नहीं रखना वरना फिर तेल में पानी ऐड कर देंगे अपना छोड़ कर। तो मैं सभी का पानी बाहर निकाल लूँगी इस तरह से ठंडा होने के बाद। तो फ्रेंड मैंने सभी पानी ऐड, देखिए इतना पानी निकला है और अच्छे से मैंने पानी बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड मैं अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेंड स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब मैं इसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्लेवर। और फ्रेंड इसी के साथ मैं दही ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है, इससे खट्टापन बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और फ्रेंड 2 टेबल स्पून में इसमें मैदा ऐड कर दूंगी, क्रिस्पीपन आएगा अच्छे से हमारा ये। तो फ्रेंड मैंने अच्छे से ऐड कर दिया और अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, आप चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए कितने अच्छे से। तो इन्हें डीप फ्राई करने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया और मैं ऐड कर दूँगी। तो फिर इसी तरह से मैं सभी ऐड कर दूँगी फ्राई करने के लिए, जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। गैस का फ्लेम रखना है हमें, हाई नहीं रखना, लो रखना है। तो फ्रेंड अब हम मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी हाई, पहले तो हमें लो रखना है, अब एकदम हमें हाई कर देना है जिससे कि अच्छे से ये हमारी बनकर तैयार हो जाए क्रिस्पी। तो देखिए फ्रेंड एकदम आपस में चिपकी नहीं है, कितनी अलग अलग हो गई हैं और कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए, बहुत ही पसंद करेंगे। हम चम्मच की मदद से इनको अलट पलट कर देंगे जिससे कि ये नीचे से ज़्यादा जल ना पाए। तो मैं बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से कलर आया है, तो सभी मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और बाकी बची हुई जो है वो मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो दोबारा भी फ्रेंड मैं इसी तरह से ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड सभी सोयाबीन मैंने ऐड कर दी है और इस तरह से हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे जिस तरह से मैंने ये की थी।
तो फिर हम चम्मच की मदद से हम उलट पलट कर लेंगे दूसरी तरफ से, जिससे अच्छा कलर एकदम बराबर आए दोनों तरफ से और अच्छे से फ्राई हो गई हैं। और फिर नमकीन को बाहर निकाल लूँगी सभी तेल में से, कितने अच्छे से कलर आया है तेल हमारा सभी अच्छे से बाहर निकल गया। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और लहसुन अदरक जो किया हुआ मैंने ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ फ्राई होने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, हरी मिर्च भी अच्छे से हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो फिर हम सभी प्याज मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। प्याज को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से पका लेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से हम चला लेंगे जिससे कि हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। तो मैंने सभी शिमला मिर्च ऐड कर दी है, शिमला मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। सब्जी हमें अच्छे से पका लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है। और टमाटर के साथ ही मैंने यहाँ पर आल की प्याज की जो हरी डंडली रहती है वो भी मैंने ऐड कर दी है। और टमाटर को अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद हमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट होते आ रहे हैं। तो चम्मच की मदद से हमको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने की तैयारी करने के बाद इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, केचप और सोया सॉस ऐड कर दी है मैंने यहाँ पर। और फिर इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड, तो फिर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सोयाबीन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आपको मैं आपको डिश आउट कर दिखाऊँगी किस तरह से हमारी सोया मंचूरियन बनकर तैयार हुई हैं। सोयाबीन सभी हमारी अच्छे से मिक्स बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, तो चलिए आपको प्लेटिंग कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड गर्मा गर्म आप परोसिए, अपने यार दोस्तों को खिलाइए, बच्चों को बनाकर खिलाइए, घर में मेहमान आए हैं उनको बनाकर खिलाइए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और आपके घर में सभी तारीफ करेंगे किस तरह से बनाई है, आपसे रेसिपी पूछेंगे। फ्रेंड आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के लिए बाय बाय। और फ्रेंड दुआ में याद रखनी है और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी हुई रेसिपी। और गरम गरम परोसिए। शुक्रिया।